हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आज जुम्मा है, मैं अभी आज नमाज पढ़ के आया हूँ। तो अम्मी कब से बोल रही थी व्लॉग बना, चलो मैंने सोचा आज मैं बना ही लूँ। कब से अम्मी बोल रही थी, तो मैं काफ़ी दिनों से काम ढूंढ रहा था, काम नहीं मिल रहा था। अम्मी बोलती है चल चैनल में आ जा, मैंने सोचा चल चैनल में आ ही जाऊँ। मैं अभी अभी आया हूँ, आज पहला व्लॉग मेरा है। जो नीचे इतनी हँसी आई थी, अभी नीचे से मैं ऊपर आ गया। चलो हँसी तो आती रहती है, आगे जाए ख़त्म ही हो जाएगी। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, अम्मी बोली नानी घर जाते हैं और सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी से होगा। मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मेरा भाई कह रहा है इतनी सारी क्रीम मिली, मैंने कोई क्रीम नहीं मिली। क्रीम लगी, क्रीम यहाँ भी लगी, देख अभी भी लगी। कहाँ लगी हुई, झूठ नहीं बोल, मैंने कोई क्रीम नहीं मिली, मैंने सिर्फ सुरमा लगाया। और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, और अम्मी कितने दिनों से नानी के घर नहीं गई थी, तो अम्मी ने कहा कि तैयार हो जाओ सब, हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। और तो इसलिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने ना अजवा को लेंस लगाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मेरे भाई ने व्लॉग स्टार्ट किया है, और आज मैंने इसको कहा कि आज पूरा व्लॉग तूने बनाना है, नानी के घर पे भी जाके तूने बनाना है, सारा का सारा आज पूरा व्लॉग तू बनाएगा, एंड भी तू करेगा। तो आज देखते हैं मेरे भाई कैसा व्लॉग बनाते हैं। वैसे तो मैं आ चुकी, मैंने कैमरा पकड़ लिया, मैं तो कैमरा पकड़ लेती हूँ तो शुरू हो जाती है। और मैं आप लोग अजवा की लेंस दिखाती हूँ। अजवा आ चुकी है, और अजवा की लेंस आप लोग चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, और इतनी सब्र वाली बच्ची है, इसको इतनी चुभन हुई है, लेकिन इसने बर्दाश्त किया और अब जाके सही हो गई ना अजवा। अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम लगाई है ना, और हाइट तो देख लें आप, बच्ची ही देख लें कि बच्ची ने लगाई है, तो इसलिए थोड़ी सी चुभन हो रही है। चलो आओ उतारो, आओ इधर आओ, मम्मा बोल रही उतारो, आप धूप में जा रही हो बाहर तो ये चुभेंगी, फिर आप आंखें मलती हो। चलो उतारो, और ये देखें घर की हालत, इन लोगों ने आ जा के, इनको पता ना अभी हम लोग घर से जा रहे हैं, तो इन लोगों ने ये हालत की है कुछ इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अम्मी के घर आई हूँ, और अभी आके पहुँचे हैं, लाइट नहीं थी पहले, तो अभी लाइट आई है, और अम्मी ने यहाँ चार्जिंग वाला पंखा भी लगा दिया है। तो अभी अम्मी के घर पहुँचे हैं, और फिर अभी करते हैं बातें, और फिर आपको दिखाते हैं कि बच्चे भी क्या करें। वैसे अभी तो सब गायब हो गए इधर उधर, और ये फातिमा तो मुझे मिल गई। फातिमा आसान गई थी, मैं गई थी चीज लेने, अभी मैंने चीज ले रही, और गाइस मैंने लेंसेज लगाई थी, अभी जो मैंने उतार ली है, और ये छल्ले आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। और अभी जो है बहुत मज़ा आ रहा है नानी घर आकर, यहाँ पे चिड़ियों की भी आवाज़ आती है, वो मानो भी है वहाँ पर, दिखाएं दिखाते हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये मम्मा की फेवरेट इमली, जब हम लोग साथ वाले घर में रहते थे इसको खाते थे। और ये मेरा खा गया, और ये टैंक है। ये क्यों लिया आप? प्योर चीज लेती ना, टैंक नहीं लो, गले खराब होंगे फिर आपके। पहले ही मैंने बाल बाल ये बनाए, ये फातिमा के मैंने बाल बनाए, और फातिमा ने बालों का टेस्टनेस कर दिया। ये छिलने देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हाथ में, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये एक मानुष नहीं है। तो गाइस हम लोग नानी घर पहुंच गए थे, और ये चुपचाप की बर्फी खा रही है। हम लोग कुल भी खा रहे हैं, मेरे भाई ने पहले खत्म करके फेंक दिए, और नहीं हमारी कुल्फी छीन रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दी, ये बहुत भूखा है। और अम्मी जो है वहाँ पर बैठी है, मतलब अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे, और ना अभी बहुत बादल भी आ रहे हैं, और ना अम्मी के लिए बस बारिश आने वाली है, अभी थोड़ी देर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और अभी कुल्फी क्या करें, ये वाली कुल्फी मेरी नानी से मिलती है, और बहुत मजे की है। तो गाइस अभी अभी हम घर पहुँचे हैं, मैंने आते साथ पंखा भी पहुँचा दिया है, तो अम्मी गई है ऊपर, तो अभी नीचे बहन है रोटी पका रही है। अभी मैं दिखाता हूँ घर में क्या हो रहा है, ये देखा आते साथ फ्रिज में घुस गई है, वो वहाँ देखे क्या हो रहा है। यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, और मैं आप लोगों को बताऊँ, पिछले आधे घंटे से मेरा भाई वीडियो बना रहा है, कैमरे को बिल्कुल ऐसे पकड़ते हैं। हाँ तो ये कब से वीडियो बना रहे हैं, मैंने रोटियाँ शुरू की थी, रोटियाँ शुरू की थी, और रोटियाँ तो वहाँ से हम लोगों ने, अम्मी लोगों ने मामी हमारे लिए चावल बनाए थे, हम लोगों ने मुझसे कुछ खा लिए थे, चावल वगैरह खा लिए थे, लेकिन भाई के लिए और लायदे के लिए रोटी बनाई है मैंने, और अजवा की मुझे तो भूख नहीं थी, और अम्मी की भूख नहीं है, तो हम लोगों ने अपने लिए मैंने बनाई है, और लायदे के लिए रोटी खरीद ली। और आज पूरा ब्लॉग मेरे भाई ने बनाया, और जो भी इसकी गलती हो ना वो सारी आप लोगों ने कमेंट में लिख देनी है, ठीक है, ताकि इसको पता चले इसने कैमरा ठीक नहीं पकड़ा, बोल रहा सही नहीं, क्या मिस्टेक कर रहा है। ये तो मैंने देख लिया कि ये एक बात को मेरे ख्याल से दो बार बोल रहा है ना, देख मेरा भाई ये तो मुश्किल ही जाएगा। खैर कोई नहीं, अभी मैं रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद लाया जाएगी, फिर लोग खाना वगैरह खाएंगे, और फिर उसके बाद वो खटाया जाएगा, तो आप लोगों को पता।
सही। और ये तरफ मेरी पता नहीं बहन क्यों मेरे को सब और से सुन थी, जैसे पता नहीं इसको फिर क्या हो गया। और अच्छा मैंने आपको लेंस लगाई थी, आपको कैसा लगा? मैंने वीडियो बनाई है आपकी, वीडियो बनाई है आपकी, ब्लॉग में डाली। और जबान दिखा, हम दोनों की जबान देखी, हम लोगों ने वहाँ पे इतनी कुल्फियाँ खाई, तकरीबन नानी की कुल्फियाँ आधी हो गई होंगी ना, हम लोगों ने इतनी कुल्फियाँ खाई, मेरे मोबाइल फिर टेढ़ा हो रहा है अपने साथ साथ हो गई। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुल्फियाँ खाई है, मेरे मेरे भाई ने और अजमा ने, अम्मी ने दो खाई हैं एक खाई, बहुत से लोगों ने वहाँ पर कुल्फियाँ खाई हैं। और नानी कहती है तुम लोगों ने तो आज कुल्फियाँ ही ख़त्म कर दी है। खैर कोई नहीं, कभी कभी खा लेते हैं, वो जो स्ट्रॉबेरी वाली कुल्फियाँ ना वो हम लोग को बहुत ही पसंद है, तो वो नानी बोल रही है कि मैंने बेचने के लिए रखी है, फ्री में आके खा रहे हैं। अब झूठ नहीं बोलना, पैसे दिए थे, झूठ नहीं बोलना। वीडियो स्टॉप नहीं करना, मेरी वीडियो स्टॉप नहीं है, ऑन है। हाँ, तेरा सच सामने। हम लोगों ने दिए थे पैसे, वैसे हम लोगों ने दिए थे, एक रुपया भी नहीं काटा। वो तो लग रहा था ये रोटी जल गई, ये मेरा भाई खाएगा रोटी। तुझे लगता है मैं खाऊंगा? अटे अटे खाए। अभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद लाइट जाने वाली है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। वो वीडियो मेरा भाई एंड करेगा, मैं अपने तरफ से एंड करूँ, ठीक है? कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। बस रखा रखिएगा, मुझे दम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अभी मेरा भाई एंड करेगा, मैं थी और मैंने पूरी कोशिश की है और मेरे भाई ने पूरी कोशिश की है और माशाल्लाह से सही वीडियो बनाई है। खैर अभी कल पता चलेगा कि कल से फिर से इसने वीडियो स्टार्ट करनी है और ये वीडियो स्टार्ट करेगा और फिर मैं बीच में आऊँगी, ठीक है? क्योंकि ये चैनल है मेरी अम्मी का, यानी कि जो मैंने ये चैनल छोड़ के जाना है, जो कि तीन चार महीने रह गए, दो तीन महीने रह गए, तो इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जो है, भाई, अम्मी, लाइबा तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं आती, तो मैं सोच रही हूँ कि सब जो है ट्रेन हो जाएं अच्छे से, ताकि ब्लॉग बना सकें, आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। ये जो चैनल मैंने काफ़ी टाइम से मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसको ये लोग भी मेहनत करें और इसको और ऊपर लेके जाएं। और आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह आप लोगों के सारे कमेंट के जवाब दूँगी। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आपके फादर कहाँ हैं, आपके पापा कहाँ हैं, तो ये टॉपिक मुझे आज वहाँ से याद आया कि आज मैं नानी के यहाँ गई थी, तो आंटी मुझे कही थी कि तुम लोग इन सब के सवालों के जवाब नहीं देते हो, तो मुझे फिर याद आया कि हाँ मेरा भाई थक गया, तो फिर मैं मुझे याद आया कि हाँ इस पर भी मैंने वीडियो बनानी है, मैंने आप लोगों को बताना है कि हमारे जो है फादर मेरे यानी के अबू जो है वो क्या काम करते हैं और ब्लॉग में क्यों नहीं आते, घर में भी नहीं दिखते हैं, तो वो सारी की सारी मालूम आप लोग को इंशाल्लाह एक अलहदा से ब्लॉग में, यानी कि कल बनाते हैं या फिर परसों बनाते हैं, देखते हैं कि कब बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी है बताना आप लोगों से, और ज़रूर बताऊंगी। इतना सा मेरा औखा हो गया बोल बोल के, बोलो कैमरा मेरे भाई ने पकड़ के दो शब्द बोले देखिए मेरी कैसे जबान हुई और मैं आगे से शुरू हो गई। खैर आज मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब कि इतना किया है कि अब मैं ये कैमरा उठा सकता है मेरे लिए, ठीक है? और बस बाहर भी मैं जाती हूँ तो मेरे लोग कहती हैं मेरे पीछे से वीडियो बनाना, लेकिन ये लोग नहीं बनाते, इन लोगों को आदत ही नहीं बिल्कुल भी मोबाइल में कैमरा पकड़ने की, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है सादे कैमरे से ना कोई तस्वीर बनाते हैं ना कोई वीडियो बनाते हैं, तो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आदत। तो बस अभी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता से हो जाएगी और आदत डालनी पड़ेगी इन लोगों को। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, ये एंड करने वाला था, मैं फिर से बीच में आ गई, चलो 7 मिनट देते। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी और बहुत नहीं आई होगी, और जो जो सी गलती वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी को कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने आते साथ दोबारा से कैमरा पकड़ लिया और ये मुझे कैमरा देके भाग गया, ठीक है? इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रखिएगा मुझे दुआ में याद, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।